और वहीं 15 अगस्त को रेवाड़ी के बाबल उपमंडल में ध्वजारोहण करने के बाद कांग्रेस मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपने दो कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पार्टी और अपने घोर राजनीतिक विरोधियों पर जमकर निशाना साधा था, जिसमें उन्होंने पार्टी नेताओं को जयचंद तक कह दिया था और इस मामले ने काफी तूल भी पकड़ा। यह मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब बीजेपी आलाकमान ने दक्षिण हरियाणा के दो नेताओं को संगठन में अहम जिम्मेदारी दे दी है, जिनमें प्रमुख नाम सुधा यादव का था जिनको पार्टी ने केंद्रीय संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया, तो वहीं भूपेंद्र सिंह यादव को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। दोनों नेताओं को दी गई जिम्मेदारी के पीछे पार्टी की रणनीति यह माना जा रहा है। वहीं अब जो तस्वीरें सामने आई वो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के समर्थकों की परेशानी को बढ़ा सकती है। कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने सुधा यादव से उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें फूलों का गुलदस्ता भी भेंट किया है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पुराने गिले शिकवे दूर हो चुके हैं। पहले तो मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करूंगी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय नड्डा जी का और अमित भाई का, जिन्होंने मुझे एक ऐसी जिम्मेवारी दी है जिसपे राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का अवसर मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे समय समय पर जिम्मेवारियां अनेक दी हैं, अलग अलग जिम्मेवारियां मुझे दी हैं। उन्हीं के निमित्त मैं देखती हूँ कि आज फिर एक जिम्मेवारी मिली है जिसका निर्वहन मैं पूरी ताकत के साथ में करूँगा।